नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। गवर्नमेंट ड्राइवर जॉब में आपका स्वागत है। तो आज हम अभी पेपर करने वाले हैं, जो ये हुआ था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इसरो का जो पेपर हुआ था, जो था इन्होंने लिया था नवंबर 8, 2015 में। तो ये पेपर हुआ था ड्राइवर का वहाँ पर इसरो में, अभी भी हुआ था वो 2017 या 2018 में, तो वो बाद में करेंगे हम, पहले ये 15 वाला करेंगे। तो इसमें 50 क्वेश्चन हैं ड्राइवर के, बाकी और इंग्लिश के थे और मैथ के थे। वो तो नॉर्मल मैथ था, इंग्लिश भी नॉर्मल थी, 10th बेस पे डाली इन्होंने। तो हम इसमें से ओनली जो इसके ड्राइवर के 50 क्वेश्चन वो ही करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी अधिनियम का अध्याय 2 किससे संबंधित है? तो मोटर वाहन अधिनियम अध्याय 2 तो किससे संबंधित है? मोटर वाहन चालकों का अनुज्ञापन। तो ये इसका आंसर होगा सी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा। बीमा किए बिना मोटर गाड़ी चलाना किस धारा का अधीन अपराध है? तो ये होगा, दूसरे का आंसर होगा धारा 196, इसका होगा बी, धारा 196, इसका आंसर होगा धारा 196। तो मैं इसके आंसर की आपको लास्ट में डाल दूंगा, जो 50 क्वेश्चन है इसकी। तो चलते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 112 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? ये गति सीमा से संबंधित है, धारा 112 गति सीमा से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और पेपरों में पूछा गया है। तो देखते हैं, चलते हैं अगला क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन आपको मैं इसकी आंसर की एंड में दे दूंगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 4 नंबर। बिना विद्यमान्य अनुज्ञापित गाड़ी चलाना किस धारा का अधीन अपराध है? तो बिना धारा के अपराध है, ये कौन सा है? ये होगा चौथे का आंसर होगा ए, धारा 181, ठीक है। चलते हैं 5वां क्वेश्चन देखते हैं, अनुमति सीमा से अधिक से प्रभावित हालात में मोटर गाड़ी चलाना किस धारा का अधीन अपराध है? तो 5वें का आंसर होगा बी, धारा 185, इसका आंसर होगा 5वें का धारा 185। तो अगला देखते हैं, किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम आयु, तो पूछिए ना सार्वजनिक स्थानों पर, तो न्यूनतम आयु कितनी है? 20 वर्ष। तो चलते हैं अगला वर्ष देखते हैं, इसका आंसर होगा डी। तो अगला है, नौ शिक्षा अनुज्ञापित कितने समय तक विधि मान्य है, मतलब वो कितने वर्ष तक जो आपका लर्निंग लाइसेंस होता है, कितने मंथ तक मान्यता होती है उसको? तो इसका होगा 6 महीने तक, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। कार के लिए जीवन कर कितने समय के लिए होता है? तो ये 8वें का पूछ रहे हैं, 8वें का कर 15 वर्ष के लिए, कार का पूछ रहे हैं। अगर निजी कार का है, इसमें क्वेश्चन बदल के पूछ सकते हैं, टैक्सी गाड़ी का अलग से और निजी कार का अलग से, ठीक है ना। तो इसका होगा 15 वर्ष, सी। तो चलते हैं अगला देखते हैं, चालक अनुज्ञापित के नवीकरण के लिए डैश में किया जाता है कौन से नंबर फॉर्म में किया जाता है? तो 9वें का होगा, फॉर्म नंबर 9 में। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसमें फ्रंट वाले 5-7 क्वेश्चन रिपीटेड है हर जगह। देखिए, ये इसरो पेपर में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन ऐसे, जो मेन है ऐसे ही पूछेंगे वो भी आगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, चलते हैं 10 नंबर पे। तो अगला है, पीछे का दृश्य देखने के लिए मोटर गाड़ी में डैश का शीशे का उपयोग होता है, कौन से शीशे का उपयोग होता है? तो 10 नंबर का आंसर होगा सी, अवतल शीशा, अवतल दर्पण का, ठीक है, इसमें वही होगा। चलते हैं अगला 11 नंबर, चालक आगे जाने वाली गाड़ी डैश से आगे निकाल सकता है, तो आपसे आगे निकालने के लिए पूछ रहा होगा आपको, तो आप कौन सा है? दाई। तो इसका 11वें का आंसर होगा ए, दाई, आपकी दाई तरफ से, ठीक है ना, इसका आंसर होगा ए। तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, मालगाड़ी में अति भार ले जाने पर क्या होगा? आपको डी, चालक अनुज्ञापित निलंबित अथवा रद्द हो सकता है, इसका आंसर होगा 12वें का आंसर होगा डी, ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये अगला, काल दिता चालक अनुज्ञापित का नवीकरण बिना जुर्माना कब तक किया जा सकता है? तो 13वें का आंसर होगा सी, 30 दिन, 13वें का आंसर होगा 30 दिन। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, नई परिवहन गाड़ी को जारी किया गया समर्थक प्रमाण पत्र की विधि मान्यता कितने वर्ष की होती है? कितने वर्ष की होती है? 2 वर्ष की होती है। तो उन्होंने पूछा, इस 14वें का आंसर होगा बी, तो इसका आंसर होगा बी। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में अधिकतम कितनी अवधि तक रखा जा सकता है?
तो ये मैंने क्वेश्चन आपको पीछे भी करवाया था और वीडियो में, तो इसका होगा 12 महीने, किसना होगा 12 महीने, जो डी आंसर होगा इसका, ठीक है ना। तो इसका आपने स्क्रीन शॉट ले लेना, अपने पास रख लेना, और जल्दी से जल्दी 4 दिन रह गए आपके पेपर के लिए, तो कल का दिन तो है ही है और 4 तारीख को तो पेपर ही, आपके पास 4 दिन है नॉर्मल से, जल्दी से आप कर लीजिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, और वीडियो को स्किप नहीं करना है, सारी वीडियो फुल वीडियो देखनी है, ठीक है ना। चालक को परिचालक के भार को छोड़कर सभी वस्तुओं का भार ट्रेलर को मिलाकर वाहन के भार को डैश कहलाता है, वो क्या कहलाता है। इसका आंसर होगा सी, आवृत्तिक वजन, ठीक है ना। इसका आंसर होगा सी, स्थार्मिक आंसर होगा सी, आवृत्तिक वजन। तो चलते हैं, सीटते समय घसीट मोटर वाहन की गति डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो आपको जो टो करके ले जाने वाला वही पूछ रहे हैं, मैंने पीछे भी करवाया था आपको, कितनी होगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो सकती है उसकी, इससे अधिक नहीं हो सकती है। तो चलते हैं अगला, इसका आंसर होगा 18वें का आंसर होगा कौन सा, ए, डैश को देखकर परिवहन गाड़ी पहचानी जा सकती है, तो इसका होगा नंबर प्लेट होगा इसका, तो इसका आंसर होगा बी, 19वें का आंसर होगा बी। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से किस प्रलेख को ले जाने की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ती, तो पंजीकरण प्रमाण पत्र की पड़ती है, बीमा प्रमाण पत्र की भी पड़ती है, चलाना अनुज्ञापन की भी पड़ती है, तो किसकी आधार कार्ड की नहीं पड़ेगी आपको, 20वें का होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निजी वाहनों की नंबर प्लेट की रंग योजना क्या है, तो उनकी जो निजी वाहन है उनकी रंग प्लेट की योजना क्या है, इसका आंसर होगा डी, आधार सफ़ेद और अक्षर काला, कौन सा होगा 21वें का होगा डी, आधार सफ़ेद और अक्षर काला। परिवहन वाहन की चालन अनुज्ञापित की विधिमान्य की अवधि, परिवहन वाहन की विधिमान्य अवधि कितने वर्ष की होती है, 22वें का पूछा इन्होंने, 10 वर्ष की होती विधिमान्य उसकी, 10 वर्ष तक विधिमान्य, 10 वर्ष तक विधि माने वो पासिंग हो जाएगी, 10 वर्ष तक उसकी पासिंग होती रहती है। चलते हैं अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, तो अगला क्वेश्चन है, परिवहन वाहन के लिए नौसिखिया अनुज्ञापित पाने के लिए उसके पास न्यूनतम डैश अवधि की विधि माने अनुज्ञापित होने चाहिए, मतलब जो आपको परिवहन वाहन है, परिवहन वाहन होता है बस के लिए पूछा, तो आपके पास कितने वर्ष का होना चाहिए, 1 वर्ष का पुराना लाइसेंस होना चाहिए LMB, इन्होंने इनका पूछने का मतलब ये, तो ये होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक दूरी के लिए 2 टायर वाली 2 दूरियों के लिए अधिकतम सुरक्षा पूर्वक दूरी वजन, तो क्या है इसका होगा, 24वें का होगा बी, दूरी प्रत्येक दूरी 6 टन, 24वें का आंसर होगा बी, ठीक है। चलते अगर निजी गाड़ी के लिए प्रमाणक प्रमाण पत्र के लिए विधि मान्य है, तो इसका 25वें का आंसर होगा बी, तो ये फिर से वही रिपीटेड हो गया है, 25वें का होगा बी। तो ये बस थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन में चेंज किया है, बाकी वही है, आपको जल्दी से देख के लगाना है। और मोटर वाहन को पंजीकरण के लिए आवेदन में किया जाना चाहिए, कौन सी मोटर वाहन पंजीकरण के लिए, तो कौन सा नंबर फॉर्म लगता है, आपको पता ही है कि 20 नंबर फॉर्म लगता है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, ACNG का पूरा नाम आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या है, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, 28वां, प्राथमिक उपचार का प्रतीक है, तो आपको प्राथमिक उपचार का प्रतीक है, देखो प्राथमिक उपचार का चिन्ह पूछा उन्होंने कैसा होना चाहिए, ये मैंने इसमें ऐड किया है, तो क्या है, सफ़ेद पृष्ठभूमि और लाल क्रॉस, ठीक है ना, पृष्ठभूमि सफ़ेद है और लास्ट इसकी क्रॉसिंग लाइन लाल, तो इसका आंसर होगा सी, क्या होगा इसका आंसर होगा सी, तो देख लेना आपने, ये मैं उन्होंने पेपर में आंसर की मैंने बताया था, तो इसमें क्या होगा, सफ़ेद पृष्ठभूमि और लाल क्रॉस, तो इसको देख लेना आपने, और CNG का पूरा नाम आपको ना मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ओके चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्या है, तो अगला है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बात करते पकड़े जाओगे तो कौन सी धारा लगेगी, धारा 170 लगेगी, इसका आंसर होगा सी, वाहन का पंजीकरण डैश चिन्ह के प्रतीक किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए, इसका आंसर होगा सफ़ेद रोशनी, सी आंसर होगा, 30 का होगा सी, 31 का देखते हैं, अधिविमान्य वाहन कौन सा है, तो इसका आंसर होगा सी, तीनों का आंसर होगा सी,
ठीक है, निश्चित लोगों के लिए विशेष रूप से अभी लुप्त मोटर वाहन, ठीक है ना, विशेष रूप से। इसका आंसर होगा सी, कौन से में 31 का आंसर होगा सी। तो चलते हैं अगला, अगला देखते हैं अगला क्या है। भारी मोटर वाहन का जिसका अधिभार संकलन भर भार डैश से अधिक है, किससे अधिक है, 12,000 टन होगा इसका, 12,000 केजी होगा। तो 32 का होगा ए, हाँ 12,000 केजी, ठीक है ना। 951 क्या फिर डैश से विधि मान्य है, तो 33 का होगा डैश का विधि मान्य है, कौन सा होगा, 33 का होगा डी। भारतवर में नौसिखिया का और जो अनुज्ञापित नौसिखिया का में विधि मान्य है, तो भारतवर में होगा 33वें का डी। तो अगला चलते हैं, गाड़ी चलाते समय यदि आपको गाड़ी किसी व्यक्ति से टकराती है तो उसको चोट लगती है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, इसका आंसर होगा बी, घायल व्यक्ति को चिकित्सा करने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी, उसको मतलब आपको फर्स्ट एड देनी चाहिए। चलते हैं अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला है भोंपू का प्रयोग, तो प्रेशर हॉर्न पूछा है इन्होंने, भोंपू बोलते हैं उसको, तो प्रेशर हॉर्न का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए आपको, मतलब एक ही मान्यता है, वो कौन सा, इलेक्ट्रिकल हॉर्न को मान्यता है, ना कि ये प्रेशर हॉर्न को मान्यता नहीं है। तो इस 38 का होगा ए, ये वैध है, मतलब भोंपू को वैध है, इसको कहीं भी आप नहीं बजा सकते। तो अगला है 39 है, इसका आंसर ऊपर होगा 38 का आंसर होगा ए, 39 है। दाईं ओर मुड़ते समय आपको किस पथ लाइन पर होना चाहिए, तो कौन किस पे होना, कौन सी लाइन पे होना चाहिए, 39 का होगा बी, एकदम दाईं पथ पर, दाईं ओर मुड़ते हुए तो आपको दाईं ओर ही होना चाहिए, उनका बोल पूछने का मतलब ये कौन सी साइड होनी चाहिए, अगर आपने दाईं तरफ मुड़ना तो दाईं तरफ, बाईं मुड़ना तो एकदम दाईं बाईं तरफ होना चाहिए। तो इस 39 का आंसर होगा बी। तो अगला, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ आपकी गाड़ी में नहीं होनी चाहिए, तो आपको पता ही, औजार किट होनी चाहिए, मार्ग मानचित्र होनी चाहिए, प्राथमिक उपचार किट होनी चाहिए, तो जलनशील सामग्री नहीं होनी चाहिए आपके पास, कोई भी जलने वाली सामग्री नहीं होनी चाहिए, तो ऊपर वाली तीन होनी चाहिए। तो डी, इस 40 का आंसर होगा डी, तो इसका आंसर होगा ज्वलनशील सामग्री नहीं होनी चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, अभी तो 40 हो गए, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, तो क्वेश्चन करेंगे हम जल्दी से। तो अब आगे साइन बोर्ड पूछने लगे हैं आपसे कौन से, तो 41 देते हैं, निम्नलिखित यात्रा संकेत लाल सीमा रेखा और लाल पट्टी सहित क्या सूचित करता है, तो गोले में बनाया उन्होंने बोला कि सीमा रेखा गोला, तो क्या करता है, तो देखिए जो घुमा के आई है रेखा उसके ऊपर क्या है, आपको ये पता ही होगा, मेरे को पता नहीं, मैक्सिमम लोगों को पता लग गया होगा, इसका बोलता है कि आगे निकलने के लिए अनुमति नहीं है, मतलब ओवरटेक नहीं कर सकते आप। तो 41 का होगा क्या होगा सी, इसका मतलब आप ओवरटेक नहीं कर सकते। निम्नलिखित यात्रा संकेत लाल सीमा रेखा क्या सूचित करती है, तो क्या सूचित करती है इसकी, देखो आप 41 का, 42 का कौन सा है, इसका होगा बी, गति सीमा, ये होता है गति सीमा के लिए, इसमें तो ओनली 50 लिखा, कई बार 50 के नीचे 50 किलो KH भी लिखा होता है, तो वो भी देख लेना आपने, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपकी यहाँ पे होनी चाहिए स्पीड। तो ये ऐसे आए क्वेश्चन फिर तो पता लग जाता है अच्छे से। चलते हैं अगला देखते हैं अगला कौन सा है, तो निम्नलिखित यात्रा संकेत लाल सीमा रेखा और लाल पट्टी क्या सूचित करती है, क्या सूचित करती है, तो प्रवेश निषेध नहीं, यू मोड़ना निषेध है, मतलब यू टर्न लेना निषेध है। तो 45 का होगा डी, कौन सा होगा, 45 का होगा डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं 46, निम्नलिखित यात्रा संकेत लाल सीमा रेखा क्या सूचित करती है, क्या सूचित करती है, इसका मतलब होती है ऊंचाई सीमा होगी,
कौन सी ऊंचाई सीमा, तो देखने से पता लग रहा है अगर जो चिन्ह है वो दूसरी तरफ होते तो लंबाई सीमा होनी थी, तो आगे लंबाई वाला भी आएगा। तो मैं आपको बताऊंगा 46 का होगा कौन सा, इसका होगा सी ऊंचाई सीमा, कितनी ऊंचाई 3.5 मीटर। ठीक है, चलते अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित ज्यादा जा सके थे नीली नीला चक्का और श्वेत बाण क्या सूचित करता है, तो इसका होगा 47 का होगा ए आगे जानना अनिवार्य या दाएं मुड़ें, आगे भी जा सकते हैं आप या दाएं मुड़ें, दोनों में से एक ही कर सकते हो आप। इन्होंने बोला है 47 का होगा ए। तो आगे चलते हैं 48 का होगा निम्नलिखित यात्रा संकेत लाल सीमा रेखा क्या सूचित करती है, तो क्या सूचित करती है ये आ गया लंबाई वाला, ठीक है ना, लंबाई सीमा, इसका होगा 48 का होगा बी लंबाई सीमा, तो वहाँ पे ऊंचाई आया था ये आ गया लंबाई सीमा। तो अगले दो क्वेश्चन बाकी है तो उसको करते हैं। निम्नलिखित यातायात संकेत क्या सूचित करता है, तो क्या सूचित करता है 49 का क्या प्रतिबंध समाप्त, अगर इसमें दो क्रॉस होते तो उसका मतलब होना था यहाँ पे रुकना और खड़ा होना, मतलब रुकना और खड़ा होना मना है, मतलब चलना यहाँ पे धीरे होना आप नहीं रुक सकते, बिल्कुल भी नहीं रुक सकते अगर इसमें दो काली पट्टी होती, इन्होंने बोला है वहाँ पे। तो अगला है अनुज्ञापित यात्रा संकेत को डैश में सूचित किया जाता है, अनुज्ञापन को किस में सूचित किया जाता है, वृत्ताकार में रूप में, ठीक है गोलाकार होता है, इसका मतलब होगा डी 50 में का आंसर होगा डी। तो ये थे कुछ 50 क्वेश्चन इसरो ड्राइवर क्वेश्चन पेपर के जो मैंने आपको अभी करवाए हैं, तो इनको आपने देख लेना। थैंक यू, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना।